हाय देर एंड अस्सलाम वालेकुम, हम और आप जो है आपके साथ जनाब मौजूद हैं अमाना मॉल में। बता दिया आपको लोकेशन, जान जाएंगे आप सभी दोस्त कि हम कहाँ मौजूद हैं और कहाँ हम अपने दोस्तों से और आपके दोस्तों से मिलने के लिए आते हैं। अच्छा, वैसे आज मामूल से ज़्यादा रश हमें नज़र आ रहा है, दिन तो हम आपको बताएंगे नहीं क्योंकि हमने तो रिकॉर्डिंग करनी होती है और उसके बाद प्रोग्राम चलाने होते हैं। आप कहेंगे भैया आप बड़ा लेट हो रहे हैं, तो जनाब हम कहीं से लेट नहीं होते, हमेशा आपके साथ साथ ही हम चलते हैं। क्या करें, शहर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, बहुत सारी बातें भी होती हैं जो आपके साथ शेयर करना होती हैं। पिछले दिनों एक बड़ा अजीब सा तजुर्बा मेरे साथ हुआ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करूं। ऑनलाइन ज्वेलरी के कुछ आइटम मैंने ऑर्डर किए और इतने अच्छे थे कि मैं उनकी तारीफ़ किए बिना रह ना सकी। अच्छा, जब मैंने कांटेक्ट किया और जिन नज़रे से मेरी बात हुई, जो वो पेज चला रहे थे, जिनकी वो वेबसाइट थी और जो वो सब आइटम सेल कर रहे थे, तो मुझे ये गुमान था कि हो सकता है कि कोई एक ऐसा काबिल हुनरमंद इंसान हो जो पढ़ ना सका हो और उसके बाद उसने अपनी ज़िंदगी में चुना हो कि वो ये काम शुरू करे। लेकिन मेरी हैरत की कोई इंतहा नहीं थी जब मैंने ये जाना कि वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, नस्ट से पढ़ा और उसके बाद जो काम वो कर रहे थे वो था ऑनलाइन ज्वेलरी सेल करना। पाकिस्तान में नौकरियाँ नहीं हैं, लोगों के पास वसाइल नहीं है, हमारे नौजवान इतनी तालीम हासिल करने के बाद और उनके वालिदैन उनके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट और अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी, कई वालिदैन ने तो बचपन से ही यानी कि बच्चे के पैदा होने से ही पॉलिसीज़ ले ली होती हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ कि कल को बच्चे बड़े होंगे तो इनकी तालीम के लिए ये पैसे काम आएंगे, बच्चे बड़े होंगे तो इनकी शादियों के लिए, इनकी सेटलमेंट के लिए काम आएंगे। लेकिन वही बच्चे जिनके ऊपर वालिदैन इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके बाद ज़िंदगी में भी वो बेरोज़गार रहते हैं या कोई ना कोई ऐसा काम करने पर मजबूर होते हैं जिनका उनकी फॉर्मल एजुकेशन से कोई ताल्लुक नहीं होता। खैर, ये कुछ बातें थी जो अपने दोस्तों से शेयर की। चलें अब बढ़ते हैं आपके दोस्तों की जानिब और करते हैं उनके साथ भी बहुत सारी बातें। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? अफशां। अफशां, क्या करती हैं आप? मैं फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट, अच्छा, एक फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है और उर्दू में क्या कहेंगे एक फिजियोथेरेपिस्ट को? उर्दू में भी फिजियोथेरेपिस्ट को उर्दू में तो नहीं, उर्दू में तो कुछ और होगा। देखिए, फिजियोथेरेपिस्ट तो ये अंग्रेजी जबान का लफ्ज़ है, लेकिन इसको उर्दू में भी आप फिजियोथेरेपिस्ट ही लिखते हैं। उर्दू में तो इसकी तर्जुमानी कुछ है, मगर देखे ये देखिए आपको अपने प्रोफेशन को उर्दू जबान में बताना नहीं आ रहा ना। चलें अफशां, कहाँ से किया आपने ये सारा, अपनी तालीम कहाँ से हासिल की? रिफा इंटरनेशनल। अच्छा, थोड़ा सा आगे आ जाइए, कहाँ से की? रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर। कितने साल की डिग्री थी ये? 5 ईयर्स प्रोग्राम। पूरे 5 साल वहीं पे कोई प्रैक्टिस की या प्रैक्टिस के बगैर आपने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया? नहीं, मैंने प्रैक्टिस की है। कितना अर्सा? हमीद लतीफ़ में 3 मंथ्स की है और फिर हाउस जॉब हमारी 6 मंथ्स। तो अब आप कमा रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कमा रही हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह। आपका क्या नाम है? रबिया अहमद। रबिया, आप क्या करती हैं? मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ। फर्स्ट ईयर में क्या प्लान्स हैं रबिया, क्या करना है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए तैयारी क्या है, क्या कर रही हैं आप? ICS फिजिक्स कर रही हूँ। ICS सब्जेक्ट्स क्या हैं? फिजिक्स, ICS फिजिक्स है ना, तो फिजिक्स है, मैथ्स है, इस्लामियत है और इंग्लिश है, उर्दू है, तर्जमतुल कुरान है। टोटल कितने मज़ामीन होते हैं? 7। सारे के सारे अच्छी तरह पढ़ने होते हैं? कितनी परसेंटेज चाहिए आपको पास करने के लिए? 80। पहली क्या परसेंटेज थी आपकी? मैंने परसेंटेज नहीं देखी, अपने नंबर देखे थे, पास हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, कोई एक अच्छा सा गाना किसी को डेडिकेट कर दें। तुम मिले तो जीना आ गया, तुम मिले तो हर पल है नया, तुम मिले तो मुस्कुराना आ गया। अच्छा, अमेजिंग। चलिए गर्ल्स, आपसे पूछते हैं सवाल, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। सवाल हमारा आपसे ये, बताइए वो कौन सा जानवर है जिसके पेट में दांत होते हैं? पेट में दांत? पेट में दांत, पेट में दांत? नहीं, उसके तो मुंह में होते हैं। अच्छा, नहीं, पक्की बात है? कोई और? अभी मैंने तो आपसे कहा नहीं, ये तो मेरी मर्जी, मैं बदलूँ या ना बदलूँ।
सवाल बदल देते हैं। तो सवाल दूसरा आपसे है कि वो कौन सी चीज़ है जिसको हम बिना हाथ लगाए रोक सकते हैं? बिना हाथ लगाए रोक सकते हैं चीज़ है बिना हाथ लगाए रोक सकते हैं? नो नहीं, वो तो आपके ऊपर से गुजर जाएगी। हवा को नहीं, आप नहीं रोक सकते। नहीं, अगर रुकेगी तो खुद रुकेगी ना, आपके कहने पे थोड़ी रुकेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच गर्ल्स। आपका क्या नाम है? आरजू। आरजू, आरजू आपके बच्चे? नहीं, मैं इनकी खाला हूँ। आप इनकी खाला हैं, मामा कहाँ हैं इनकी? इनकी मामा शॉपिंग पे गई हुई। मामा शॉपिंग करने चली गई हैं, बच्चे आपके जिम्मे करती हैं। बिल्कुल। अच्छा, वैसे खाला हमेशा बड़ी रिस्पॉन्सिबल होती हैं और हमेशा अपनी बहनों के लिए बड़ी सपोर्टिव होती हैं, बड़ी बहनों के लिए। कि अच्छा, उनके बच्चे जो होते हैं वो खालों को ही ज़्यादा प्यारे होते हैं और खालें ही उनके लिए अच्छे अच्छे से खाने भी बना रही होती हैं और उनको घुमा फिरा भी रही होती है और गिफ्ट भी ले रही होती हैं। मैं खाना तो नहीं ज़्यादा बना सकती, लेकिन घुमाना फिराना और सारी जिम्मेदारी मेरी होती है। मतलब कुछ ना कुछ भी अच्छा सा बना लेते हैं, कभी नूडल्स, कभी कुछ ना हल्का फुल्के से कुछ स्नैक्स बना लिए वगैरह, वो तो मैं करती ना, गेट्स वगैरह। और जब कभी इनकी मम्मा ने कहीं शॉपिंग पे निकलना हो तो चलो भाई संभाल लो, ये मेरी आपके पास होती है। ओके बेटा, व्हाट्स योर नेम? मरवा महमूद। मरवा महमूद, आपका क्या नाम है? मुंतहा। मुंतहा, माशाल्लाह, वेरी नाइस, बहुत प्यारे बच्चे हैं, अल्लाह मेरे नजर बच्चे बचाए। अच्छा, मुझे बताइए कि क्या प्लान्स हैं जिंदगी में, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, अभी तो एंजॉयमेंट ही हो रहा है, अभी बच्चों के साथ एंजॉय हो रहा है, अमेजिंग सा। मुझे बताइए मॉल में क्या करने आए थे? मोस्टली तो इनको घुमाने आए हैं वैसे, लेकिन खुश हुए अभी जाना है और शॉपिंग के लिए आए हुए हैं बस। शॉपिंग के लिए भी आए हैं, क्या सोचना है, क्या सोचा है, लेना क्या है, क्या क्या खरीदना है? विंटर सीजन स्टार्ट, मतलब सर्दियों की तैयारी शुरू हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, आगे स्टॉक आ गया सर्दियों का, जरा बताएं ना ताकि दोस्त भी इधर उधर आना शुरू करें, कहीं शॉप्स में देखना शुरू करें कि अगर विंटर का स्टफ आ रहा है। विंटर फॉल स्टार्ट है तो हाँ, तो वो पहले से बच्चों के कर लेना बेहतर है, एकदम से सर्दी का आना और बच्चे बीमार हो जाना, ये इससे बेहतर है कि पहले शॉपिंग की जाए। मैं आप कौन सा पॉइंट सुनाएंगे? मेट्रो एंड कैरी, मेट्रो एंड कैरी, मेट्रो एंड कैरी, कैबेज एंड बीन्स, कैबेज एंड बीन्स, लुक सो यम्मी, लुक सो यम्मी, ओ रेड एंड ग्रीन, सो लिटिल चिल्ड्रन, ईट देम एवरी डे, ईट देम एवरी डे, to make you grow, to make you grow strong and smart, strong and smart, make you grow strong and smart, strong and smart, oh my god, har word ke sath jo inke actions the wo dekhne wale the, awesome and amazing, very well done. So I have a question for you, pooch le, ready? Ready? Okay, so girls are ready, to ab hame ye bataye, कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप हाथ लगाए बगैर रोक सकते हैं? वो कोई ऐसी चीज़ वो आप में होती है, अगर मतलब आप वो नहीं लेंगे तो फिर आपका दम घुटने लग जाता है। ओ यस, अमेजिंग, वेरी वेरी गुड, ये हमारे जीनियस अल्फाज जनाब, इनको कोई कम्पीट कर ही नहीं सकता। हमारा आपकी जाने से छोटा सा गिफ्ट है, पर आपको याद दिलाता रहेगा आपने इनसे बात की थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हुज़ैफ़ा। क्या करते हैं आप हुज़ैफ़ा? कुछ नहीं, BSCS कर लिया अब फ्री, जो BSCS कर लिया अब फ्री हैं। तो आगे क्या करना है? देखें आगे जो जिंदगी में होता है। नहीं, जिंदगी तो बहुत तरफ ले जाएगी आपको, आपने कहाँ जाना है? देखें आगे MPhil वगैरह स्टडी करनी है, आगे मजीद स्टडी करनी है। गुड, ब्रेक लिया हुआ है या इंतज़ार में है, कहीं एडमिशन लेना है? फिलहाल तो अभी बाहर का प्लान है, देखें वो कहाँ जाएंगे आप? UK वगैरह। क्या समझते हैं कि वहाँ पर, अच्छा स्टडी करेंगे या आपने कोई जॉब करना है? स्टडी भी और फिर जॉब भी, स्टडी और जॉब दोनों साथ साथ। हाँ जी, सही है। तैयार हैं इतने बड़े चैलेंज के लिए, घर वालों से दूर रहने के लिए, हर तरह की सख्ती, मौसम की, खाने की, आसाइश की, आराम की, बर्दाश्त करने के लिए? घर वालों से दूर तो फिर रहना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है, फिर खाना भी खुद बनाना पड़ेगा, कपड़े भी खुद धोने पड़ेंगे, घर अपना हर काम खुद करना पड़ेगा। वक्त के साथ साथ आ ही जाती हैं चीज़ें, जाता है जब ज़िंदगी आपको इतने बड़े चैलेंजेस दे और कोई और ऑप्शन ना हो तो फिर जो है स्ट्रॉन्ग होने के अलावा कोई और ऑप्शन आपके पास रह नहीं जाता है। सही, मेंटली तैयार हैं आप? हाँ जी, तैयार ही हैं फिलहाल तो। गुड, और बताइए क्या देखा है आपने ज़िंदगी में और क्या क्या देखना है, कहाँ कहाँ जाना है, किस किस मुल्क को देखना है, ख्वाब क्या है जो जागती आंखों से देखें? मैंने तो बस ये अभी तक देखा है कि उधर हो जाइए,
मैंने तो बस अभी तक जिंदगी में यही देखा है कि कामयाब शख्स ही सब कुछ है। कामयाब इंसान कोई आसमान से थोड़ी उतरता है, कामयाब भी तो वही होते हैं जो ज़मीन पे मेहनत करने से, एफर्ट करने से, स्ट्रगल करने से अपने आप को लोगों से आगे निकाले जाते हैं। जी बिल्कुल, मेहनत तो करनी पड़ती है एक अच्छा इंसान बनने के। बिल्कुल ऐसा है, और सालों की मेहनत मोहित होती है कामयाबी के सफ़र पे। मेहनत से ही तो सब कुछ होता है। कुछ अच्छा सा गाना सुना दे। गाना वगैरह तो नहीं आता, शेर ही सुना सकता हूँ। सुनाइए। तेरे बिछड़ने का दुख नहीं है मुझे, मैं तो अपने एतबार पे शर्मिंदा हूँ। चले सवाल पूछते हैं आपसे, जैसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं, तो सवाल मेरा आपसे ये बताइए कि दुनिया की बुलंद तरीन ATM मशीन किस मुल्क में है? आई थिंक पाकिस्तान में ही होगी। हाउ डू यू नो? गुड, आपको देते हैं गिफ्ट एम्पर, और आपकी जाने से आपको याद दिलाता रहेगा, अपने से बात की थी। थैंक यू सो वेरी मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। हमारा अपने वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हम जा रहे हैं ब्रेक पे, हमारे साथ रहिए। अपने मतलब से चलो तो चलता बहार करते हैं, अब तो यही डर है धोखा ना दे जिंदगी। दिल का दरिया बह ही गया, मेरी जरूरत तू बन गया। वेलकम बैक जनाब, हम मौजूद हैं हमारा मॉल में, और छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा था, वक्फा लेना ज़रूरी है, क्या करें, एनर्जी बहाल करते रहना चाहिए ना, थोड़ा थोड़ा सा साथ साथ में भी, अगर हम नहीं कहीं भी कोई ब्रेक लेते हैं या थोड़ा सा पॉज लेते हैं तो एकदम जो एक जो गो होता है वो बहुत ज़्यादा टायरिंग भी हो जाता है, देखने वालों के लिए भी, करने वालों के लिए भी। खैर, हम हैं वापस और जनाब हमारे पास होंगे आपके बहुत सारे अमेजिंग अमेजिंग से दोस्त जो हमारे आसपास मौजूद हैं। देर नहीं लगाते हैं, बातें तो हमने करनी है, तो क्यों ना हम आपके दोस्तों के पास चल के बातें करें। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर। आमिर, आमिर आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। आप स्टूडेंट हैं तो क्या करते हैं? पढ़ते क्या हैं आप? बीकॉम कर रहे हैं। बीकॉम कर रहे हैं, अच्छा जरा बताएं क्या होता है बीकॉम? बीकॉम में अकाउंट से रिलेटेड स्टडी होती है। अकाउंट से रिलेटेड स्टडी होते हैं, कुछ इकोनॉमिक्स वगैरह आप पढ़ते हैं? जी जी, इसमें इकोनॉमिक्स वगैरह भी आती है। इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद क्या सीखता है इंसान? इकोनॉमिक्स के बाद बस अभी। आपने क्या सीखा? मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। हमारे साथ भी शेयर करें। आप और कुछ पूछ लें। चलें भाई, पढ़ाई का नाम नहीं लेना, हेट लव स्टोरीज नहीं, कौन से स्टोरीज, हेट स्टडीज भाई, बड़ी मुश्किल से पढ़ रहे हैं, देखें वो घर वाले प्रेशर से पढ़ रहे हैं, ये तो सवाल नहीं करना पढ़ाई वाला, हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे। चलें, अच्छा ये बताइए कि कहाँ कहाँ घूमे हैं, क्या क्या देखा है आपने अभी तक जिंदगी में? जिंदगी में तो बहुत कुछ माशाल्लाह। क्या दिखाया जिंदगी ने अभी तक आपको? जिंदगी ने हसीन ख्वाब दिखाए हैं, उनको ताबीर करने के लिए बस निकले। कौन सा ख्वाब देखा है आपने ऐसा जो आपने ताबीर करना है? इंशाल्लाह बिजनेसमैन बनना है। किस चीज़ का बिजनेस करेंगे? बिजनेसमैन करना है गाड़ियों का। गाड़ियों का कैसे करेंगे आप गाड़ियों का बिजनेस? इंशाल्लाह छोटे से स्टार्ट करेंगे, कोई छोटी गाड़ी लेके उससे स्टार्ट। छोटी गाड़ी लेके, बिल्कुल वैसे जैसे अंडा लेंगे फिर उसमें से मुर्गी निकालेंगे। हाँ, इसी काइंड ऑफ। एटलीस्ट कम से कम कुछ तो सोचा है, कोई तो ख्वाब है, कोई तो ख्याल है। चलें इसी बात पे अच्छा सा गाना सुना दें। ये जो हुस्न इख्तियार करते हैं, ये जो हुस्न इख्तियार करते हैं, अच्छा। ये कब किसी से प्यार करते हैं? अच्छा। इनके बस में हो तो लूट लें सरेआम। अच्छा। ये हर मासूम शख्स पे वार करते हैं। अच्छा। अपने मतलब इनके मतलब से गुजारो जिंदगी तो बिस्मिल्लाह। अपने मतलब से चलो तो चलता बहार करते हैं, अब तो यही डर है धोखा ना दे जिंदगी, अब तो हम तुझी पर एतबार करते हैं। एतबार भी तुझ पर कितना करें, आखिर शाम होनी है, अब तो हम सिर्फ मौत का इंतजार करते हैं। इतनी डेस्परेशन, ये क्या बात हुई? अपना शेर, ये भी इनका अपना शेर है, अमेजिंग भाई, मैं समझी किसी और का सुना रहे हैं। आपने ये नहीं कह दिया इकबाल का शेर है? नहीं, अपना मोहम्मद मोहम्मद आमिर साहब का शेर है। सवाल आपसे पूछे नसीब, मुझे आपको सवाल का जवाब आता नहीं, तो जवाब सवाल मेरा आपसे ये है, मुझे बताइए वो कौन सी चीज़ है जिसको हम बिना हाथ लगाए रोक सकते हैं? कोई भी ऐसी चीज़ का नाम दे दीजिए जिसे आप बिना हाथ लगाए रोक सकते हैं। बिना हाथ लगाए हम रोक सकते हैं रोने को?
बात तो सही है, बिना हाथ लगाए किसी भी इमोशन को। थैंक यू सो वेरी मच। क्या नाम है आपका? वाजिद हाशमी। क्या करते हैं वाजिद हाशमी साहब? मैं जिना हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? मैं प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट हूँ। अच्छा, प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट कौन होता है? मैम, जो प्रोडक्ट्स को स्पेशलाइज करते हैं इंडिकेशंस में, डिजीज़ के इंडिकेशन में, डॉक्टर्स को गाइड करते हैं कि इस डिजीज़ के इंडिकेशन में आप ये प्रोडक्ट दीजिएगा, ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और ये ना करें। यस यस। अच्छा, कहीं ये आपका काम मार्केटिंग से रिलेटेड तो नहीं है? नहीं। कि किसी नई मार्केट को, किसी नई दवा को, प्रोडक्ट को इन करने के लिए या मार्केट करने के लिए किसी पहली की उसका रिप्लेसमेंट बनाने की कोशिश जो लोग करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे हर डिपार्टमेंट में ना हर चीज़ का एक ऑडिट होता है। अब जैसे मेडिसन्स का ऑडिट होता है ना जिना हॉस्पिटल में, ठीक है, तो वो फिर हम करते हैं, चीज़ों को देखते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट हॉस्पिटल में आनी है, कौन सी नहीं आनी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने अपने इस काम से पहले तालीम क्या हासिल की? MSc जूलॉजी की है। अमेजिंग। तो MSc जूलॉजी के बाद आपके पास क्या स्कोप रह गया था? बहुत स्कोप है, फॉरेस्ट में है, एग्रीकल्चर में है, लेक्चरशिप में है, लैब्स में है, बहुत। अभी भी आप किस किस फील्ड में ट्राई कर सकते हैं, आप कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं? लाइफ साइंसेस के फील्ड में तो मैं ऑलरेडी लगा हुआ हूँ, ठीक है, और मैं आपको ये चीज़ें बताई हैं। मैं वाइल्ड लाइफ में जो है ना एज असिस्टेंट डायरेक्टर जा सकता हूँ, ठीक है, और लाइफ साइंस। कभी आपने सोचा नहीं कि आप वाइल्ड लाइफ को ज्वाइन करें? नहीं, वक्त पैशन नहीं है। कल्चर इस तरह का है, हमारा कल्चर इस तरह का नहीं है, वाइल्ड लाइफ को इतना प्रमोट नहीं किया जाता, कोई झांकता ही नहीं है कि जंगलों में क्या है। बहरहाल, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर, अगर कभी वाइल्ड लाइफ, ये तो बात है, तो लाजमी। लेकिन पाकिस्तान से बेहतर वाइल्ड लाइफ में अगर आप काम करें तो कहीं फॉरेन में काम करना ज़्यादा अच्छा होगा, तो आप भी जानते हैं। आप सही कह रही हैं, क्योंकि फॉरेन की स्कोप नहीं है ना इतना, स्कोप हम लोग बनाएंगे ना, जाहिर है। और अगर यहाँ से ही चले जाएंगे सभी तो फिर कौन बनाएगा? चले, अच्छा सा गाना हमारे यंगस्टर्स के नाम। दिल का दरिया बह गया, मेरी जरूरत तू बन गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया, बात बिगड़ी है इस कदर, दिल है टूटा, टूटे हैं हम, तेरे बिन नम न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम। क्या नाम है आपका? राबिया अर्शद। राबिया, क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूँ। क्या बात है जनाब, अमेजिंग। हमारी जो हाउसवाइफ्स हैं ना वो अमेजिंग है, पढ़ी लिखी हाउसवाइफ्स, ग्रूम्ड हाउसवाइफ्स। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। माशाल्लाह। बच्चे कौन कौन सी क्लास में हैं? बच्चे एक यूनिवर्सिटी में, 2। कहीं से नहीं लगती हैं, ये झूठ बोल रही हैं मुझसे? नहीं गाइस, ये मुझसे झूठ बोल रही हैं, हो ही नहीं, मैं मानती नहीं हूँ। नहीं नहीं, दो कॉलेज में, एक यूनिवर्सिटी में है। अभी देखिए, अभी एक कह रही थी, अभी 2 हो गए। नहीं नहीं, दो कॉलेज जाते हैं, एक यूनिवर्सिटी जाती है। इतने बड़े बड़े बच्चे कहाँ से आ गए? फिर ऐसा ही हुआ होगा कि बस कोई परिंदा जो है ना वो ड्रॉप करके चला गया होगा। माशाल्लाह, यू आर वेरी यंग एंड चार्मिंग। अच्छा, मुझे बताइए, खूबसूरती का क्या राज है ज़िंदगी में, खुशी का क्या राज है? खुशी का बस मतलब सर पे सवार ना करो। नहीं नहीं, किसी कानों में रुई डाल लो, इधर से सुने उधर से निकाले, बस जो अपने हाल में मस्त रहे, जो किसी की ना सुने। अच्छा, ये कैसे होता है भला? बस क्योंकि जब हम सुन रहे होते हैं बहुत कुछ आ रहा है, नेगेटिविटी आ रही है, तो उसको कैसे आप दूर कैसे कर सकते हैं, इग्नोर कैसे कर सकते हैं? बस अपने ना पड़ता है, काम कुम करो, अपने आप को मसरूफ रखो, खुश रखो, खुश रखो। कुछ अच्छा से सुना दे। नहीं, मैं नहीं सुना रही। कुछ शेर सुना दे, रेसिपी शेयर कर दें। आप मुझे बताइए कि हेल्थ फूड क्या है, आप अपने बच्चों को हेल्थ फूड क्या देती हैं? माशाल्लाह, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे हैं, कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, कुछ एनर्जी जो उनके लिए अच्छा बूस्ट हो और उनको ताकत देता हो, उनको एनर्जी देता हो। मैं उनको ज़्यादातर फ्रूट्स देती हूँ, चाट बना देती हूँ, या इस तरह की कर देती हूँ गर्मियों में। वो खा रहे हैं मतलब किसी तरह से बच्चे? शौक से खाते हैं, वही बनाती हूँ। तो ये हंडिया वगैरह कह देते कि नहीं ये नहीं, कोई डिफरेंट चीज़ हो, चाइनीज बना दो या चाट चूट बना दो, इस तरह की वो ज़्यादा, और मिल्क शेक वगैरह ज़्यादा। एफर्ट करनी चाहिए, बिल्कुल बच्चों के लिए एफर्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो खुद अपनी ज़िंदगी में इतना बिजी होते हैं, पढ़ाई में इतना बिजी होते हैं कि अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख पाते हैं।
तो जनाब आपसे एक सवाल है, लेट्स सी आप हमारे सवाल का जवाब दे पाती हैं या नहीं। तो जनाब सवाल गौर से सुनिए, दुनिया की बुलंद तरीन ATM मशीन किस मुल्क में है? पाकिस्तान में। अमेजिंग अमेजिंग इंडीड। ये बड़ी जो है एक इन्फॉर्मेशन की, जनरल नॉलेज की बात है, वैसे मुझे भी पता नहीं था, लेकिन ये बात सच है कि दुनिया की बुलंद तरीन ATM मशीन पाकिस्तान में। थैंक यू सो वेरी मच। हम और आप में वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हमारे पास और भी बहुत सारे अमेजिंग दोस्त हैं। क्या करें, आज बहुत ही रश है और बहुत सारी फैमिलीज, बहुत सारे यंगस्टर्स, बहुत सारे बच्चे, बड़े छोटे सभी हमारे आसपास मौजूद हैं और सभी हमारे साथ बात करना चाह रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम पीते नहीं हैं पिलाई गई अब तक न वो भुलाई गई, जो कब्रों पे बैठ के शायरी करे। तकदीर बनाने वाले तूने कमी ना की, तकदीर बनाने वाले तूने कमी ना की, किसको क्या मिला ये तो अपने मुकद्दर की बात है। वेलकम बैक जनाब, हम और आप में मौजूद हैं, बात कर रहे हैं, मज़ेदार सा फन कर रहे हैं आपके दोस्तों के साथ और बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत सारी अमेजिंग सी हमने यहाँ पर रिडल्स भी अपने दोस्तों के साथ, आपके दोस्तों के साथ यहाँ पर की और पूछे कुछ और भी अमेजिंग अमेजिंग से सवाल। तो जब हमारे दोस्तों ने की थोड़ी सी स्ट्रगल तो वो कामयाब हुए इनका जवाब देने में, लेकिन जिन्होंने स्ट्रगल नहीं की या जो थोड़े से कन्फ्यूज हो गए वो जवाब नहीं दे सके। खैर, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, क्योंकि आप तो यहाँ पर आते ही रहते हैं और आपसे मिलते ही रहते हैं। तो जल्दी से बढ़ते हैं आपके दोस्तों के जाने, वो करते हैं बहुत सारा फन, आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? फायजा आमिर। फायजा क्या करती हैं आप? हाउसवाइफ हूँ। भाई ये इतना बड़ा ये जो काम है ना, ये मार्का है, तो मतलब ऐसे ही क्यों कह देती हैं हमारी खवातीन हाउसवाइफ हूँ? बस हूँ तो अब हूँ हाउसवाइफ। अमेजिंग। अच्छा मुझे ये बताइए कि इतना खूबसूरत मेकअप और इतनी ग्रूमिंग, अपना ख्याल रखना, ये सब कुछ कैसे कर लेते हैं? मैंने देखा हमारी जो हाउस वाइफ होती हैं बड़े बड़े से जूड़े बनाए होते हैं और बस ना कपड़ों का ख्याल है ना ही अपना ख्याल है और बस बच्चों में मेस्ड अप होती हैं, बाहर भी निकलने का वक्त नहीं मिलता। पहली बात तो ये है कि मुझे शौक है, मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। क्या घर के तो काम बंदा कर ही लेता है, लेकिन ये साथ साथ ना खुद को तैयार करना और ख़ुद को जो है संवारना, मुझे बहुत शौक है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा कभी कभी ये सोचा है कि ये एक थेरेपी होती है? हाँ, इंसान खुद ही से खुश हो जाता है। हाँ जी, मेकअप करके ना मैं यूँ ही बस ना खुश हो रही होती कि मैं कितनी अच्छी लग रही होती हूँ, कितनी प्यारी। फायजा है ना नाम आप? फायजा, मेकअप करने से ना अच्छा एकदम से मूड भी बड़ा अच्छा हो जाता है। अच्छा हो जाता है, रियली बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ जी, लोग कहते हैं कि चॉकलेट खा लो, अभी चॉकलेट खा के कितना का मोटा करना है खुद को, भाई किसी को मीठा नहीं रह जाता। खाने पीने का मुझे बिल्कुल शौक नहीं है, ये सिर्फ मुझे कॉस्मेटिक का, फैशन का, शॉपिंग का, इस किस्म की मुझे चीज़ों का शौक है। लोग ये नहीं समझते हैं कि हर चीज़ जो ग़िज़ा है उसका ताल्लुक सिर्फ पेट से नहीं है, ग़िज़ा का ताल्लुक आपकी रूह से भी है। जब आपका आपके ब्रेन्स, आपके नर्व्स, ये सब चीज़ें उसको, आपकी जो डाइट है या जो चीज़ आपकी इनटेक है उसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है, चाहे वो मेकअप ही क्यों नहीं है, चाहे कि वो अच्छे कपड़े ही क्यों नहीं है, आप खुश हैं तो आपकी बॉडी खुश होती है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। फायदा कोई अच्छा सा सुना दें। अच्छा सा सुना दूँ? वो दूसरा वाला तो नहीं हम कहेंगे कि ऐसी सुनाएं इसको, वो नहीं, अच्छा सा सुना दें। हम पीते नहीं हैं पिलाई गई अब तक ना वो भुलाई गई, जो कब्रों पे बैठ के शायरी करे, उन जख्मों ने शायर बनाया हुआ है, शराब पीते पीते जिसके हाथ कंपते हों, समझो वो यार का सताया हुआ है। अरे ओ माय गॉड, क्या बात है, फुल ऑफ लाइफ, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा फायजा, एक सवाल करेंगे, जैसे ही हमारे सवाल का जवाब आपको आता है या नहीं, तो सवाल हमारा आपसे ये है, अच्छा बहुत सारे जानवर हैं दुनिया में, लेकिन एक जानवर ऐसा है कि उसके जो दांत हैं उसके मुंह में नहीं है, उसके पेट में है। सी फूड में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन हम नहीं खाते, मे बी बहुत सारे लोग खाते हैं। आई थिंक सो, केकड़ा। ओ यस अमेजिंग। अच्छा बहुत ही हैरान कन बात है कि केकड़े के दांत जो हैं वो उसके पेट में होते हैं, उसके मुँह में नहीं। थैंक यू सो वेरी मच। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आतिफ असलम आती। मोहम्मद आतिफ आती। मोहम्मद आतिफ असलम आती। यस। अच्छा ये आती ज़ात है, मैंने पहली बार ये नाम सुना है। नहीं, आती ज़ात नहीं है, ये मेरा एक तखल्लुस है। मैं तखल्लुस है जी। क्यों, शायरी करते हैं क्या? नहीं नहीं, मैं ज़रा नावल लिख रहा हूँ और मैंने कॉलम लिखे हुए हैं, पोएट्री से थोड़ा सा लगा हुआ है। किस किस्म के नावल लिखते हैं आप?
अभी तो मेरा एक ही नॉवल चल रहा है ब्लाइंड टीचर के नाम से। ब्लाइंड टीचर माशरे पे नहीं लिखा गया। एग्जिस्ट करता है नहीं करता? करते हैं ब्लाइंड टीचर। यस। लेकिन उनको कोई जानता है, कोई रिकॉग्निशन है उनकी? नहीं, इस इन्फ्लुएंस करते हैं वो? नहीं, इसका ज़रा जो लिंक है, हम अगर पर्सनलाइज नहीं लिया जाए किसी टीचर पर नहीं है उसको कर रहा, ये जस्ट एक हमारी ट्रेडिशन जो पाकिस्तान और अदब के साथ जो ताल्लुक़ रखने वाले जो शौरा हैं और अदीब लोग हैं, ये उन पर लिखा गया कि जो अब के वक्त में हम ज़्यादा मोस्टली पाकिस्तान के 80-90% स्टूडेंट जो हैं वो साइंस डिपार्टमेंट में या कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई मेडिकल रखना चाहता है, और हम पाकिस्तान के अंदर स्पेशली उर्दू अदब पर इतनी तरजीह नहीं दी जाती अगर कोई exactly. तो इस नावल के अंदर बाकायदा बताया गया है कि हम अपनी लिटरेचर के साथ उर्दू अदब पर मतलब के उनको बढ़ाते हुए और उसके अंदर काम करते हुए बाकी इदारे में भी आप काम कर सकते हैं इसको, बल्कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसके ऊपर अमल पैरा रहे। कुछ हमारी जनरेशन के नाम? जी, जनरेशन इधर की तरह की हैं, मैं सिर्फ उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखता हूँ तो मुझे उर्दू अदब के रिलेटेड ही कुछ सुनाइए। मैंने तुम्हें हासिल नहीं किया इस दुनिया में, मगर तसव्वुर में तुम्हें अपना बना रखा है, तेरे साथ ज़िंदगी बाकी तसव्वुर में आंखें बंद करके मैं गुजारता हूँ, मैं ख़ुद को पकीज़ा होकर बावजू होकर तुम्हें लिखता हूँ, और जब तुम्हें लिखता हूँ लोगों को तजस्सुस में डाल देता हूँ। इस पे एक शेर है मेरा, पहला शेर है ज़िंदगी में। खुद को किसी की याद में इतना डुबो दिया, खुद को किसी की याद में इतना डुबो दिया, इतना के कायनात तजस्सुस में डाल दिया। Oh my God, very deep, amazing, awesome. आतिफ, हमारी भी एक नॉर्म है कि हम अपने हर मेहमान से एक सवाल पूछते हैं, तो आपसे भी मैं सवाल पूछूंगी। तो आप मुझे ये बताइए कि वो कौन सी जगह है जहां आपके अलावा हर कोई बैठ सकता है? जहां मेरे अलावा हर कोई बैठ सकता है? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, कुछ इमेजिन कीजिए। हाँ, ये रिडल है, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप इमेजिन कीजिए एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर आप तो बैठ सकते हैं, अगर आप बैठे हैं तो कोई और नहीं बैठ सकता, लेकिन आपकी जगह पर कोई और नहीं बैठ सकता, बस यही है। नहीं, मुश्किल, डिफिकल्ट, ये मुश्किलें बदल देते हैं सवाल। जाना मुझे ये बताइए, वो कौन सा जानवर है जिसके पेट में दांत हैं? वो कौन सा जानवर जिसके पेट में दांत हैं? नो आइडिया। नो, मेरे इतना एलिमेंट के ऊपर कोई ना सोल। अच्छा, चलें, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? अली अर्शद। अली, अली आप यहीं पर ही होते हैं ना? जी। अली, आपसे पहले भी बात हुई है मेरी। हर वेनेसडे को आता हूँ। अच्छा, आप हर वेनेसडे को क्या करने आते हैं? शॉपिंग करने। आप हर वेनेसडे को शॉपिंग करते हैं? किसी ने कहा है बुध का दिन आपके लिए अच्छा है? वैसे शॉपिंग के लिए अच्छा है। शॉप से वगैरह से छुट्टी करते हैं तो फिर शॉप से छुट्टी होती है, तो ये आपका डे ऑफ है? डे ऑफ पूरे वीक में, ये कहे ना कि आपके पास घूमने फिरने के लिए ये दिन होता है। वेनेसडे। अच्छा, इसके अलावा कोई और जगह कोई जहाँ पर आप जाते हो अमाना मॉल के अलावा? पैकेजेस मॉल, एम्पोरियम मॉल, यहाँ पर आप ज्यादा पाए जाते हैं? यहाँ ज्यादा। चले, कोई बात नहीं है। अच्छा, मुझे बताइए, और इस हफ्ता, ये हफ्ता आपका कैसा गुजरा? अच्छा था। अच्छा गुजरा, क्या किया इस हफ्ते में? कोई नई चीज़, कोई नई बात? कुछ भी नहीं, इधर ही आता हूँ तो फिर इधर ही आए। इधर ही आए। कुछ ऐसा गाना सुना दे, शेर वगैरह शेर सुना दे। तकदीर बनाने वाले तूने कमी ना की, तकदीर बनाने वाले तूने कमी ना की, किसको क्या मिला ये तो अपने मुकद्दर की बात है। हाय हाय। अच्छा, चलिए सवाल करते हैं आपसे, रस्सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो सवाल मेरा आपसे ये है, मुझे बताइए वो कौन सा जानवर है जिसके पेट में दांत होते हैं? फिश। फिश के तो पेट में दांत नहीं होंगे ना? सोच लें। नहीं, हमारे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन जाने से पहले बताएंगे आपको सारे अमेजिंग अमेजिंग से वो सवाल, वो रिडल्स, वो क्वेश्चंस जो आज हमने आपके दोस्तों से पूछे थे, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने हमारे शो के दरमियान में ज्वाइन किया होगा, बहुत सारे दोस्तों ने वो सवाल मिस किए होंगे, और बहुत सारे दोस्त अभी भी जानना चाहते होंगे कि सही जवाब क्या है, तो गौर से सुनते जाइए। तो सवाल जो हमने आपके दोस्तों से आज किए थे, एक सवाल जो हमने किया वो ये कि वो कौन सा जानवर है जिसके पेट में दांत होते हैं? वो जानवर है केकड़ा, जिसके पेट में दांत होते हैं। और एक और सवाल जो हमने किया वो ये कि वो कौन सी चीज़ है जिसे हम बिना हाथ लगाए रोक सकते हैं?
सांस वो चीज़ है या कोई भी ऐसा इमोशन जिसे हम बगैर हाथ लगाए रोक सकते हैं, तो वो सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। और सवाल जो हमने किया कि दुनिया की बुलंद तरीन ए टी एम मशीन कहाँ है, तो दुनिया की बुलंद तरीन ए टी एम मशीन पाकिस्तान में है। एक और सवाल जो हमने किया वो ये कि वो कौन सी जगह है जहाँ आपके अलावा कोई और नहीं बैठ सकता। ज़ाहिर है वो आपकी गोद है जहाँ पर आपके अलावा कोई भी नहीं बैठ सकता, और बिल्कुल कुछ है तो ऐसा ही, लेकिन बात है ऐसी ही। एक और सवाल जो हमने किया वो ये कि जनाब, ये थे वो सारे सवाल, वैसे ये थे वो सारे सवाल जो हमने आज आपके दोस्तों से किए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपने भी बहुत इन्जॉय किया होगा। ज़रूर हमें फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा कि आपको हमारा शो कैसा लगा। सोशल प्लेटफॉर्म जिन पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, स्पेशली ट्विटर एंड यूट्यूब। कीप फॉलोइंग एंड कीप टेलिंग अस कि आप लोगों को क्या देखना अच्छा लगा, आपको किन दोस्तों की बातें जो हैं वो बहुत इंस्पायर कर गई और भी बहुत कुछ। लॉट्स ऑफ लव, आपसे मुलाकात होगी अगले शो में। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।